वेलकम टू माई एग्जाम ज्ञान। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट कमेटीज़ बताऊंगा। जैसे कि मैंने पहले पार्ट वन में बताया है, तो वो उसे याद करने का तरीका भी इसमें बताता हूँ मैं। तो इसके लिए आप लोग पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्ना से गुन्ना शेयर कीजिए। मैं आपको हमेशा ऐसे ही कुछ ट्रिक्स बताता रहूँगा। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला कमेटी जो है वो है कमलेश चंद्रा कमेटी। कमलेश चंद्रा कमेटी जो है, यह है वेज स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामीण डाक सेवा। कमलेश चंद्रा की जो कमेटी है, अब इसको याद करने का ये तरीका है कि कमलेश चंद्रा जो है वो ग्रामीण डाक में काम करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो अपना मजदूरी है या जो इनका वेतन, इससे रिलेटेड जो इनका होगा, ये क्लेम करेंगे, बढ़ाएंगे। तो कमलेश चंद्रा ग्रामीण डाक सेवा। सेकंड है दोस्तों दीपक मोहंती, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से है। इसका भी याद करने का तरीका क्या है कि मोहंती को आप रिलेट कर सकते हैं मेहनती से, मेहनत कश मजदूर जो होते हैं, जिसे मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे मैं मोहंती को आप मेहनत से रिलेट कर सकते हैं। और मेहनत कैसे करते हैं, ये दीपक जला के, अर्थात जो दिया भी जला के मेहनत करते हैं, वही फाइनेंशियल इंक्लूजन में आएंगे। क्योंकि जो मेहनत ज़्यादा करते हैं उन्हीं के पास आमदनी ज़्यादा होती है। तो ये जो है दीपक मोहंती, ये क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से हो गया। नेक्स्ट दोस्तों एल नरसिम्हा रेड्डी। अब ये क्या है, वन रैंक वन पेंशन। ये दोस्तों हो सकता है कि अगले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सके, क्योंकि अभी ओआरओपी लागू किया गया है। ओआरओपी जो है, ये है वन रैंक पेंशन है कि ये सैनिकों के लिए जो पहले रिटायर कर गए थे उनको कुछ अलग पेंशन मिलता था, जो न्यूली रिटायर कर रहे हैं उनको कुछ अलग पेंशन मिलता है, इसलिए ये ओआरओपी लागू किया गया। अब इसमें आप देखिए इसका याद करने क्या क्या तरीका है। नरसिम्हा रेड्डी, एल नरसिम्हा रेड्डी, एल से आपको लॉयन लॉयन याद रखना है, और नरसिम्हा मतलब वो लॉयन जो नरभक्षी हो, इससे आपको लग रहा है वो लायन जो नरभक्षी हो। तो ये क्या है कि जो सेना है, हालांकि सेना के लिए कहना ये गलत होगा, लेकिन फिर भी याद करने के लिए अब यही एक तरीका था। तो हम ये कह सकते हैं कि एल नरसिम्हा मतलब है लायन जो नर को मारते हैं, मतलब आदमियों को मारते हैं। तो जो हमारी सेना है वो क्या करती है, पाकिस्तानियों को या जो भी दुश्मन होते हैं उनको मारते हैं। इनका जो ये है वो क्या हो जाएगा, वन रैंक वन पेंशन। ठीक दोस्तों, तो अब अगले चलते हैं। अगला है एन गोपाल स्वामी अयंगार, यह है संस्कृत प्रमोशन के लिए। क्या है कि अभी बहुत सारे संस्कृत स्कूल खोले गए हैं, और कुछ स्कूल जो है संस्कृत के विदेशों में भी खोले गए हैं। अभी अभी कुछ कि कई देशों में संस्कृत अनिवार्य की वो एक सब्जेक्ट बनाया गया है लोगों को पढ़ने के लिए, बच्चों को। इसका जो इस कमेटी का जो प्रमोशन प्रमोट कर रहे हैं वो है एन गोपाल स्वामी। अब इसकी ये कमेटी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी दो तीन देशों में संस्कृत जो है वो उनके सब्जेक्ट में जोड़ा गया है, तो ये भी हमें याद करना है। तो अभी ये देखते हैं कैसे याद करते हैं, एन गोपाल स्वामी। अब आप ये देखिए जो स्वामी है, स्वामी यहाँ पे जो है वो क्या है, स्वामी किसको पढ़ाते हैं, गोपाल में बच्चे होते हैं, जो कृष्ण जी थे बच्चे उनको भी गोपाल ही कहते थे। तो ये गोपाल स्वामी जो है बच्चों को, तो अब ये क्या हो गया, एक धार्मिक चीज से जुड़ा है। अब हिंदू धार्मिक में क्या होता है, संस्कृत जो होते हैं उन्हीं पे बेस्ड होता है। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एन गोपाल स्वामी जो हैं वो संस्कृत प्रमोशन के लिए हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये एचआर नागेंद्र कमेटी। एचआर नागेंद्र कमेटी जो है, ये है योगा एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज। अभी क्या है कि 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, योगा डे मनाते हैं। अब इसे वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाने लगा है 21 जून से। यूएन ने भी इसको पारित कर दिया है। ये एक भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी जी के आने से, जो कि योगा को हम विश्व लेवल तक पहुंचा रहे हैं। तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। एचआर नागेंद्र कमेटी, ये जो है, नागेंद्र का मतलब होता है शिव, नागेंद्र का मतलब होता है शिव। हम जब भी ध्यान देते हैं तो शिव की हमें जो मूर्त है ऐसी ही नजर आती है, इस आसन में अक्सर हमें शिव की मूर्त ध्यान में आती है। तो ये क्या है, ये जो शिव जी बैठे हैं ये योगा आसन में बैठे हैं।
तो ये हो जाएगा योगा एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी कौन, HR नागेंद्र कमेटी। ठीक दोस्तों, अगले पहुंचते हैं। अगला है मधुकर गुप्ता। ये जो मधुकर गुप्ता कमेटी है ये किस लिए है, बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए। जो इंडो पाक बॉर्डर है इससे रिलेटेड जो वहाँ पे प्रोटेक्शन है, जैसे वहाँ से आतंकवादी घुस आते हैं या कोई कुछ घुस आता है तो चले आते हैं अंदर भारत में और तबाही करते हैं, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए जो एक कमेटी बनाई गई है वो है मधुकर गुप्ता कमेटी। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि मधुकर, मधु जो है वो कार लेके कहाँ चली गई, इंडो पाक बॉर्डर पे, तो उससे प्रोटेक्शन चाहिए। अब वो इंडो पाक बॉर्डर पे जाएगी तो उसे प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं तो उसे पाकिस्तानी सेना या कोई हो गया जो मार देगा। तो आप इसको रिलेट कीजिए, मधु कार लेके कहाँ चली गई, इंडो पाक बॉर्डर पे। तो ये हो गया ऑन द बॉर्डर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अशोक लहरी। अशोक लहरी जो है ये रिव्यू एक्साइज ड्यूटी इम्पोज ऑन डिफरेंट जेलवे। इसमें क्या है कि लहरी, अभी देखिए ये एक बप्पी लहरी से नाम जुड़ा हुआ मिल रहा है। लहरी जो है वो क्या करते हैं, बहुत सारा सोना पहनते हैं, लोग देखे होंगे वो हमेशा सोने से गजे होते हैं। ये जो होगा वो हो गए अशोक लहरी। अब वो ज्वेलरी से ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पहनते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, एक्साइज ड्यूटी इम्पोज ऑन डिफरेंट ज्वेलरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। बी एस बासवान जो हैं ये हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की लिए जो कमेटी बनाई गई है, जिसमें ये सिलेबस, एज और इन सब चीज़ के लिए जो इन्होंने काम किया है कि क्या सिलेबस हो, क्या हो एलिजिबिलिटी, क्या होनी चाहिए लोगों के लिए, तो उसके लिए जो कमेटी है वो है BS बासवान। अब आप इससे रिलेट कीजिए, जो बासवान, बासवान का मतलब आप बांस समझते होंगे, मतलब बम्बू। अब जो होता है बांस वो क्या होता है, जहाँ पे एक जगह लग जाता है वहीं पे हमेशा वो बहुत पेड़ अपने से ही फलते मतलब जमते रहता है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज निकालने के लिए आपको बांस की तरह एक जगह ही बैठना पड़ेगा, अर्थात कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो हो जाएंगे BS बासवान, ये हो जाएंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों THAC कमेटी। THAC कमेटी जो है ये है लैंड लीजिंग से रिलेटेड। अब इसको याद करने के लिए क्या तरीका है, THAC, टी से आप बनाइए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर बना लिए, हक से मतलब उसका जोतने के लिए। तो ये क्या है कि किस पे जोतेंगे, लैंड पे, लैंड लीजिंग जो हो जाएगी वो जाएगी THAC। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अनिल डाबे। अनिल डाबे जो है ये फिक्स सैलरी ऑफ नर्सेस इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल हॉस्पिटल्स में जो नर्सेस रखी जाती हैं, कहीं पे कुछ उन्हें वेतन मिलता है, कुछ वेतन मिलता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो उसको फिक्स करने के लिए अनिल डाबे जो है के नाम से एक कमेटी बनाएगी। इन्होंने उसको हेड किया उस कमेटी को। तो इसको याद करने का तरीका ये है, डावे, डावे आपको दवा से रिलेट समझ में आ रहा होगा, जो अनिल डावे हैं इनको दवा से रिलेट करिए। तो दवा कहाँ होती है दोस्तों, हॉस्पिटल्स में। तो हॉस्पिटल्स, तो ये हो गया फिक्स सैलरी ऑफ नर्सेस इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक किए करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही कुछ ट्रिक्स लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।